कायाकल्प के अंतर्गत सम्मानित गांवों के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे टूटे फर्श पर चाट बिछाकर बैठे मिले। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर बेलथरा रोड बलिया से। गत दिनों शिक्षा क्षेत्र सीयर के खंड शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह द्वारा ब्लॉक स्तर पर निकाय सदस्यों, प्रधानाध्यापकों का ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों का ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सम्मानित प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सम्मानित एक ऐसा ही गांव है तेंदुआ, जहां के बच्चे विद्यालय के टूटे फर्श पर बैठे हुए दिखाई दिए। यहां विद्यालय खुद ब खुद अपनी स्थिति बयां कर रहा है, जहां बच्चे टाट पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अपना परिचय बताएं। जिला मोर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तेंदुआ। मैडम, कल जो है कि प्रधान जी आपके सम्मानित पहला नाम बोला गया था, वो जो कायाकल्प को लेकर के, और देखा जा रहा है कि बच्चे कायाकल्प के बावजूद भी बच्चे टाट पर बैठे हैं। आपके सारे क्लास के बच्चे, सारे शिक्षकगण मौजूद हैं, लेकिन बच्चे टाट पर बैठे हैं कायाकल्प के, क्या बताएंगे सर? अब हम क्या बताएं, जो नाम डाले हैं, प्रस्ताव किए हैं, प्रशस्ति पत्र देने के लिए बुलाए थे, वो जाने हैं, प्रधान जी जानते होंगे क्या काम किया। आपने नहीं कुछ बताया था कि हाँ हमारे हमसे कोई पूछा भी नहीं था कि आपके यहाँ क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, हमसे कोई पूछा भी नहीं था। जो कि मौका दिख रहा है। हाँ, जो आपको दिख रहा है। स्थानीय नगर के रेलवे स्टेशन से सटे प्राथमिक विद्यालय में लंबी लंबी घासें उगी हुई हैं, जो एक बनगी भर हैं। दिन भर अधिकारियों का रेला झेलने वाले बीआरसी कैंपस भी गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सवाल यह है कि आखिर किसका कायाकल्प हुआ है? शिक्षा की गुणवत्ता और ऑपरेशन कायाकल्प की महत्वाकांक्षी योजना हाथी दांत ही साबित हो रही है। वहीं कुछ प्रधान और प्रतिनिधि अपने गांव के कायाकल्प पूर्ण करने के बाद भी सम्मान की सूची में नाम नहीं होने से काफ़ी मायूस दिखाई दिए, जो पूरे शिक्षा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। धन्यवाद, आप देखते रहें भारत मीडिया। बेलथरा रोड बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।